बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। एनटीएस टेस्ट पास की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक सिलसिला शुरू करते हैं पीएसटी का। 24/11/2019 को पीएसटी के तीन पेपर्स हो चुके हैं। 8 बजे एक पेपर हुआ था और दूसरा पेपर 11 बजे टाइम था उसका। 11 बजे टाइम था, 11:30 बजे शुरू होता है। इसी तरह 3 बजे का जो टाइम था, 3:30 बजे शुरू हुआ था पेपर दोस्तों। और इसके अलावा एक पेपर जो आउट हो चुका वो पेपर भी मेरे पास है। तो टोटल 4 पेपर्स बनते हैं पीएसटी के। और बदकिस्मती से पहले की तरह ये पेपर भी आउट हो चुका था, जो कि हुकूमत वक्त ने उसको कैंसिल करके दोबारा कराने का ऐलान करा चुका है। और बहुत जल्द ही ये पेपर विद इन 10 to 15 डेज उम्मीद है कि वो दोबारा अरेंज होगा। ये पेपर एनटीएस के जरिए हो चुका है केपीके के चंद अजला में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्तों। थोड़ा सा आपको वीडियोस देखने का फायदा बता दूं। अभी एक दोस्त ने देखे जरा, उसने क्या किया है कि मैसेज किया है चैनल पर, कमेंट्स किया उसने कि देखे दोस्तों, आज बताते चलो कि आज फाटा में डीएम का एक पेपर ईटा के जरिए आई थिंक हो चुका है। और उस दोस्त ने ये देखे, ये दोस्त है ये वाला, ये बुखारी, ये के बुखारी इसका नाम है। और ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ आपके 5 वीडियोस देखे हैं डीएम के, और जिसमें से तकरीबन 8 MCQ आज के पेपर में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर जिन दोस्तों ने ज्यादा वीडियोस देखे हैं, 15 से 20 वीडियोस देखे हैं, तो उम्मीद है कि उसके कम से कम 50 क्वेश्चन आ चुके होंगे पेपर से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखे दोस्तों, पेपर आपको दिखा दो, पेपर जो मेरे पास पेपर है आज के, ये तमाम पेपर आपको बताता चलो। ये देखे, ये एनटीएस के ये वो पेपर है जो कि आउट हो चुका था। ये देखे, ये पेपर आउट हो चुका था। और ये 1 से 5 तक 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस हैं, इसको भी हल करूंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा जो 3 पेपर्स मजीद हैं वो ये हैं, P1 जो है ये 8 बजे वाला पेपर है, P2 11 बजे वाला पेपर है, और P3 जो है दिस इज 3 बजे वाला पेपर है। तो आज हम शुरू करते हैं P1 से दोस्तों। P1 का पेपर, और वो भी बुक कलर जो है ना, वो ग्रीन कलर का बुक है, देखें दिस वन, ठीक है। तो इसमें आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन कंप्लीट पेपर नहीं है, कुछ क्वेश्चन इसमें से मिस है। जिस तरह के इस पेपर में 1 से 40 तक क्वेश्चन मिस है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ जनरल साइंस पोर्शन है। पुश और पुल एग्जर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज नोन एज फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन और के मोमेंटम। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज फोर्स। क्वेश्चन नंबर 42 देखे, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इंटू 2 क्लासेस, मेटल एंड नॉन मेटल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, दिस क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी है। एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ मोर देन आर लेस देन, मोर आर लेस। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन इसमें नियर ऑप्शन जो है दैट इज 70%, इसको खुद भी चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट पावरी, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, विदाउट बॉइलिंग लिक्विड स्टेट चेंज इंटू गैसियस स्टेट बाय द प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस,
by evaporation. Option D correct option है. और question number 46 देखें. If teeth are not properly cleaned, the food particles gather in them, which are decomposed by viruses, bacteria, or other. तो correct option इसमें bacteria है. Option A. Question 47 देखते हैं दोस्तों. Question 47. It is noted that the Earth's axis of rotation is tilted 23.5 degree. Option D. Question 48 देखें. What is the shape of a liquid like milk? Not only milk, but part liquid. Liquids have no proper shape. जिस कंटेनर में भी इसको डालोगे तो वही शेप अख्तियार करेगा. ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, नॉट फिक्स. क्वेश्चन नंबर 49 देखिए. अबाउट हाउ मेनी इयर्स अगो पीपल थॉट दैट अर्थ वाज फ्लैट. क्वेश्चन को आप कंफर्म कर लें, मेरे ख्याल के मुताबिक ऑप्शन ए करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 50 को देखें. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मेटल. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 51 देखें. ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस मैटर लिक्विड. ऑप्शन बी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 52 देखें. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 53 देखें. अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. लेकिन आपने देखना है गैलेक्सी और कॉन्स्टिलेशन, इन दोनों के दरमियान जरा डिफरेंस आप सर्च कर ले तो आपको बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 54 देखें. अर्थ टेक्स अबाउट डेज टू मेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. तो दैट इज एक्चुअली ऑप्शन बी, 365.25. इस क्वेश्चन नंबर 55 को देखे. इन विच स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 100 डिग्री. ऑप्शन ए सेंटीग्रेड. क्वेश्चन नंबर 56 देखे. A virus is derived from the word venom. Option C. और क्वेश्चन नंबर 57 देखें दोस्तों. A moon takes about days to complete one revolution around the earth. तो that is 27 point something. तो उसको round करोगे तो 28 बनता है दोस्तों. So the correct option is option B. Question number 58 को देखें. A device that helps to make work easier is known as machine. What is a machine? A machine is a device. ये काम को आसान कर देता है. Question number 59 को देखें. Liquid state change into solid by which process? Freezing. Option B. और क्वेश्चन नंबर 60 को देखें. The phenomena in which moon seems to be getting small is known as waning moon. Option B. Full moon के बाद जितने भी states होते हैं उसको waning moon कहते हैं. आगे देखते हैं, आगे सोशल स्टडीज का पोर्शन शुरू होता है. तो आई थिंक इसको नेक्स्ट वीडियो पर छोड़ते हैं दोस्तों. आज की वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आई है, समझ गए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.